हादसे की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आंधी का कहर देखने को मिल रहा है। आंधी का कहर इस तरह से हुआ है कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि तूफान ने दो लोगों की जान ले ली है। अचानक आई हुई आंधी की वजह से दो लोगों की जान चली गई है। हालांकि सवारियों से भरी बस पर एक पेड़ भी गिरा है और इस तरह से ये हादसा देखने को मिला है। ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह आंधी की चपेट में आने के बाद ये लोग घायल हुए हैं और एक पेड़ भी जा गिरा है कार पर। उन्नाव में आंधी का कहर इस तरह से देखने को मिला है। अचानक आई हुई इस आंधी की वजह से दो लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मौसम में लगातार इस तरह से परिवर्तन हुआ है। हालांकि सवारियों से भरी बस पर ये पेड़ गिरा और पेड़ गिरने के बाद जबरदस्त हादसा हुआ है। इस दौरान ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस तरह से ये आंधी का कहर उन्नाव में देखने को मिला है। सवारियों से भरी एक बस पर ये पेड़ जा गिरा और इस तरह से ये हादसा हुआ है। दो लोगों को अपनी जान इस आंधी की वजह से गंवानी पड़ी है। रास्ते में खड़ा पेड़ और सवारियों से भरी बस थी, जिस पर ये पेड़ जा गिरा तेज आंधी की वजह से, तेज हवाओं के चलते। हालांकि ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 13 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के शिकार सभी लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।